ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। सिंह राशि 2019 में सफलता के लिए करें ये उपाय। दोस्तों, सिंह राशि वालों का 2019 वैसे तो बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है, लेकिन यदि आपको लगता है कि कहीं कोई बाधा आ रही है या कार्य में कोई बाधा नहीं आए, तो सिंह राशि वालों को अपने कार्य में सफलता पाने के लिए ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए सिंह राशि के जातक अति विशिष्ट होते हैं। वे अति महत्वाकांक्षी, उच्चाभिलाषी, इगोइस्ट होते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति में अहंकार, जल्दबाजी, गुस्सा, संयमहीनता देखने को मिलती है। इसीलिए उन्हें सीखना एवं ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, ताकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो समझ बढ़ेगी, जिससे वे लोगों के सामने अपनी बात सही तरीके से एवं सटीक रख पाएंगे, तो यह ईगो आत्मविश्वास में बदल जाएगा। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, अतः पिता के उत्तरदायित्व को समझें, अपनी हैसियत, बड़े होने एवं जिम्मेदार होने को समझें। सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है, अतः सभी दायित्वों का निर्वाह सरलता से करने के लिए ज्ञान हासिल करते हुए निम्न उपाय करें। दोस्तों, मैं आपको उपायों से मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको उपाय का मतलब समझाना चाहता हूँ। मैं आपको उपायों में बांधना, उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूँ, जिसे जानकर आप सभी से मुक्त हो जाएंगे, कष्टों से भी और उनके उपायों से भी। यदि आप यह समझ गए कि कष्टों का कारण क्या है, तो आप उपायों से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उस समझ को प्राप्त करने के लिए उपायों से तो गुजरना पड़ेगा, अर्थात सत्य को जानने के लिए सत्य से तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे आप पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले उसे पैदल चलकर चलाते हैं, फिर कैंची चलाते हुए बैलेंस करते हैं, फिर डंडे पर चलाते हुए बैलेंस करते हैं, फिर सीट पर चलाते हुए बैलेंस करते हैं। शुरू में ये बैलेंस आपके और साइकिल के बीच हो रहा है, फिर ये बैलेंस आपके और साइकिल के और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच होता चले जाता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड में यह बैलेंस परमानेंट हो जाता है। फिर यह बैलेंस एक हैबिट, एक आदत, एक सरलता, लयबद्धता को ग्रहण कर लेता है। फिर आप जब भी साइकिल पर बैठते हैं, तो डायरेक्ट सीट पर बैठ जाते हैं, आपको कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता, वो बैलेंस हो जाता है। अतः आप करने से होने में पहुंच गए हो। अब आपकी स्थिति करने की नहीं, होने की हो गई है, इसलिए वो बैलेंस हो जाता है। चाहे वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, वो बैलेंस हो जाता है। चाहे वो 10 से 20 किलो की साइकिल हो या 100 से 200 किलो की मोटरसाइकिल हो, आपके बैठते ही बैलेंस हो जाता है। तो मैं आपको उपायों के माध्यम से आपके जीवन में वो बैलेंस लाना चाहता हूं कि ये उपाय करते हुए आप अपनी उस हैबिट में, सब कॉन्शस के उस बैलेंस में चले जाएं कि वे उपाय होने लगे या उन उपायों को करने की जरूरत ही नहीं लगे, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में वे आप करने ही लगेंगे। अतः आप सभी दायित्वों का निर्वाह सरलता से करने के लिए ज्ञान हासिल करते हुए निम्न उपाय करें। पहला उपाय है, रविवार का व्रत उपवास करना है संकल्प लेकर। जो व्रत आने वाले प्रथम रविवार दिनांक 10 फरवरी 2019 बसंत पंचमी से शुरू करते हुए दिनांक 1 दिसंबर 2019 तक करना है, या किसी भी प्रथम रविवार से 36 या 41 रविवार तक व्रत करें। इस व्रत से सूर्यदेव एवं उनके स्वामी श्रीहरि विष्णु जी प्रसन्न होकर वरदान देंगे, जो जातक को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मालामाल कर देंगे और किसी भी अशुभ योगों से श्री हरि विष्णु जी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आपने ये 41 दिन का व्रत अनुष्ठान जो पूर्ण कर लिया है, अतः व्रत पर पूर्ण विश्वास रखें। 41 व्रत के उद्यापन के बाद यह व्रत ना करें, व्रत में नमक का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा उपाय ये करना है कि इसी व्रत के दौरान रविवार के दिन सूर्य यंत्र को रक्त लाल कपड़े पर
कमल पुष्प पर स्थापित करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमः भगवते वासुदेवाय जाप 1100 बार प्रत्येक रविवार 41 रविवार तक करना है, या 19000 मंत्रों का जाप एक साथ करें। बीच बीच में अपनी मनोकामना भी प्रभु से कहते रहे, या हो सके तो कापी में लिखकर अपने सामने रख लें, बीच बीच में ये दोहराते रहें। पूजा के अंत में यंत्र को घर में स्थापित करके कपड़े और कमल पुष्प को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, या यंत्र सहित सभी सामग्री पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। उसके बाद गाय को अपने हाथों से 400 ग्राम गुड़ ऐसे खिलाएं कि गाय आपकी हथेलियों को चाट ले, जिससे आपके हाथों की सारी नकारात्मकता चाट कर सकारात्मक बना देगी। गाय को खिलाते समय ध्यान रखें कि गाय मारने वाली नहीं हो, नहीं तो आप कहेंगे गुरु जी ने ये क्या उपाय बता दिया। तीसरा उपाय है सूर्य की वस्तुएं दान करें, गुड़ गेहूं कमल पुष्प रक्त चंदन माणिक रक्त वर्ण वस्त्र ताम्र बर्तन मूंगा आदि। चौथा उपाय है श्री हरि वंश पुराण का पाठ करें। पांचवा है पांच अच्छे रत्ती का माणिक विधि विधान से धारण करें। छठा है श्री गुरु जी की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए चरण स्पर्श करें। सातवा श्री शनि देव की सुविधा प्राप्त करने के लिए शनिवार को पीपल में जल अर्पित करते हुए देव एवं पितरों से क्षमा याचना करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। गौ की सेवा करें जिससे श्री लक्ष्मी जी की सुखता प्राप्त होगी। सोच सकारात्मक एवं चरित्र साफ रखें। योग प्राणायाम ध्यान करें ताकि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जो आपके पास है उसे महसूस करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। क्षमा प्रार्थना में मन ही मन कहें कि हे देव पितरगण, मुझसे इस जन्म में या पिछले समस्त जन्मों में कोई भी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात भाव विचार वाणी क्रिया से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। इस तरह अंतर्मन से क्षमा मांगे और ये उपाय करते रहें, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगेंगे। यदि जातक कोई ऐसा कार्य करता है कि उसे समय नहीं मिल पा रहा है तो जातक को मानसिक रूप से जाप एवं क्षमा साधना अवश्य करना चाहिए। तो यही सकारात्मक सोच और साफ चरित्र आपको सफलता दिला सकता है। उक्त तरीके से किए गए उपाय आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। यह आप दृढ़ निष्ठा विश्वास बनाकर रखें, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा होगा ही। दोस्तों, उक्त तरीके से की गई पूजा पाठ जप व्रत से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और जब भी आवश्यकता होगी ये मंत्र हमेशा कार्य करेगा, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका मंत्र आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव जी का ही है। अतः यह उपाय अवश्य करें, ये उपाय मंत्र हमेशा कार्य करेगा। दोस्तों, इस तरह वर्ष 2018 सिंह राशि के लिए 80 से 90% सौभाग्य लेकर आया है, लेकिन यदि आप उपरोक्त दिए गए योगों को ध्यान में रखते हुए कार्य एवं उपाय करते हैं तो ये सौभाग्य 100% होकर आपके जीवन में उन्नति लाएगा ही, क्योंकि यदि आपने इन योगों को ध्यान में रखकर अवसर का लाभ उठाया तो 100% सौभाग्य हो जाएगा, और यदि आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया तो भाग्य जैसा है वैसा ही रहेगा, अर्थात अवसर निकल जाएगा। यह वर्ष और अगला वर्ष आपको सुख समृद्धि से मालामाल कर दे ताकि आप हमेशा मालामाल रहें, यही हमारी कामना है और यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं पर उन्हें करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।
ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।